मतलब एसी का जो जनरेटर है, एसी जो एसी पैदा करने वाला है उसको अपन अल्टरनेटर कहते हैं, एसी जनरेटर। इससे संबंधित आपको जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है, सबसे पहला एक प्रैक्टिकल आपको ये करना है कि अल्टरनेटर की स्थापना, उसके भागों के टर्मिनल की पहचान करना है, पार्ट्स है ना इसके, अल्टरनेटर के भाग एवं टर्मिनल की पहचान करना है। तो आपको अल्टरनेटर अपने प्रैक्टिकल में जाकर के देखते हैं कि उसके भाग कौन कौन से हैं। तो पहले आपको ये थ्योरी में मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेटर, जैसे आपने पढ़ा है, अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, रोटेटिंग फील्ड टाइप और रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। तो दोनों हैं, दोनों प्रकार के हैं। तो पहले एक बार देख के आपको पहचान होनी चाहिए कि उसके भाग और टर्मिनल की पहचान करना। उसमें मुख्य भाग एक तो फील्ड, सबसे पहले अपन थ्योरी इसकी देखें तो अल्टरनेटर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाए जाए तो वोल्टेज पैदा होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब वो फील्ड से प्राप्त होता है। तो एक तो फील्ड वाला भाग कौन सा है, वो घूमने वाला भाग है या स्थिर वाला भाग है? और उसके बाद आर्मेचर, आर्मेचर जहाँ से आपके वोल्टेज पैदा होते हैं, तो ये अपन देखते हैं इस मशीन के अंदर। उसके बाद फिर आपको एक तो ये प्रैक्टिकल करना है, दूसरा उसके बाद आपको टर्मिनल को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना है, अल्टरनेटर की कंटिन्यूटी निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्या इसका इंसुलेशन सही है कि नहीं। काफ़ी लंबा समय हो गया, अगर मान लो अल्टरनेटर पड़ा हुआ है, वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है, तो उसको पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि उसका इंसुलेशन प्रॉपर है या नहीं है। तो इंसुलेशन आपको टेस्ट करना है। इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए आपको मैगर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैगर अपने पास में है, जैसे ये मैगर है, मैगर लेकर के ना अपन इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल ये हो गया, और तीसरा प्रैक्टिकल से कनेक्शन करके चालू करना है और वोल्टेज नापना है। ये तीन एक्सरसाइज आपको करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करें अपन इधर, जो एक बार आप सब देखो ये अल्टरनेटर, पहले तो ये हमें देखना है कि सबसे पहले दिमाग में इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत तो याद होनी चाहिए कि अल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर वोल्टेज कैसे पैदा होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चालक रख के घुमाया जाए या चालक को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो अल्टरनेटर वोल्टेज पैदा करता है। चालक को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए या चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर के अंदर चालक को घुमाया जाए। अब चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आपको पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अब जो डीसी मशीन में जो पोल होते हैं वो आपको दिख रहे हैं, तो यहां पर जो देखना है, ये वाला जो अल्टरनेटर हमारे सामने है वो किस टाइप का है। सबसे पहला तो ये कि हमारे सामने जो ये अल्टरनेटर है वो किस टाइप का है, रोटेटिंग फील्ड टाइप है या रोटेटिंग आर्मेचर टाइप है, इसमें फील्ड रोटेट कर रहा है या फील्ड स्थिर है और चालक रोटेट कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये पोल दिख रहे हैं आपको, ये पोल सभी थोड़ा सा यहां ध्यान से देखें ना कि ये डीसी मशीन में जैसे पोल होते हैं ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये चार पोल हैं। ये चार पोल यहां बॉडी पे फिक्स है, मतलब पोल फिक्स है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, फील्ड स्थिर है, फील्ड आपका स्थिर है ना, चालक घूम रहे हैं। अब ये जो चालक है इसके अंदर, ये थ्री फेज की जो वाइंडिंग है, जो डेवलपमेंट डायग्राम आपने जो बनाया है, बहुत सारा जो डेवलपमेंट डायग्राम आपने बनाया ना, दो पोल चार पोल के, तो चार पोल का जो डेवलपमेंट डायग्राम बनाया उसी हिसाब से इसमें वाइंडिंग करके स्टार कनेक्शन कर दिए, ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 वही वाइंडिंग, सेम जो आपके मोटर की जो वाइंडिंग होती है वैसे ही इस आर्मेचर की भी वाइंडिंग होगी। थ्री फेज की वाइंडिंग है, पोल पिच पिच के हिसाब से जितने स्लॉट हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपने डेवलपमेंट डायग्राम जो बना रखे हैं उसके हिसाब से इसकी वाइंडिंग कर दी। वाइंडिंग करने के बाद स्टार कनेक्शन करके आर वाई और बी तीन तो फेज और जो स्टार पॉइंट है वहां से न्यूट्रल निकाल दिया। तो ऐसे करके नहीं, ये चार स्लिप रिंगें हो गई, ये आपका वोल्टेज आउटपुट देगा थ्री फेज और न्यूट्रल, यहां से अपन आउटपुट लेते हैं। तो इन चालकों में जो वोल्टेज पैदा होगा वो अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वो स्लिप रिंग के द्वारा बाहर अपन प्राप्त करते हैं। तो ये वाला जो अल्टरनेटर हमारे सामने जो है ये रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, इसमें आर्मेचर घूम रहा है और फील्ड आपका स्थिर है। तो खोल करके ना जैसे ही आप देखेंगे उसके भागों का अध्ययन करना है। तो अगर हम लोग ये इस प्रकार से ये पोल आपके ये बॉडी के अंदर फिट किए हुए हैं, पोल दिख जाएंगे आपको डीसी के, तो ये आपका रोटेटिंग आर्मेचर। अगर मान लो ये पोल इस रोटर के ऊपर हो, ठीक है, अगर ये पोल आपके रोटर के ऊपर होंगे, दूसरा अगर रोटेटिंग फील्ड टाइप होगा
तो ये जो पोल हैं वैसे के वैसे ही पोल बने हुए इस आर्मेचर के ऊपर होंगे, है ना। और ये पूरी जो थ्री फेज की जो वाइंडिंग है वो बाहर की ओर वाइंडिंग होगी पूरी, उसमें ऐसे पोल नजर नहीं आएंगे, ये वाइंडिंग जो है वो बाहर नजर आएगी। और ये पोल जो है ना डीसी के, वो आपके रोटर के ऊपर घूमने वाले भाग के ऊपर फिट किए हुए रहेंगे, और उसमें दो ही स्लिप रिंगें रहेगी। जैसे इसमें चार हैं तो उसमें दो स्लिप रिंगें, क्योंकि प्लस और माइनस देना है। फील्ड को हमें डीसी सप्लाई देनी है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए पोल हैं, इन पोलों का काम है चुंबकीय क्षेत्र बनाना। अब ये चुंबकीय क्षेत्र तब बनाएंगे जब इसमें डीसी सप्लाई देंगे आप। इस चुंबकीय क्षेत्र में, इसको जब पोल में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आपको प्लस और माइनस सप्लाई देनी पड़ेगी डीसी की, तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अगर मान लो हम इस रोटर के अंदर फील्ड लगा दें तो हमें दो ही स्लिप रिंगें चाहिएगी, चार नहीं चाहिएगी। तो मैक्सिमम जो बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं उसमें रोटेटिंग फील्ड टाइप होता है, तो फील्ड जैसे ये पोल आपके बाहर है ना, वो रोटर के ऊपर आ जाएंगे और बाहर थ्री फेज की वाइंडिंग करके ना बाहर से सप्लाई आउटपुट प्राप्त करते हैं, और रोटर के अंदर प्लस माइनस के दो स्लिप रिंगे हैं तो सप्लाई दो दे देंगे। अभी आपको क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी आपको टेस्ट करनी है, ठीक है। ये फील्ड की जो वाइंडिंग है कंप्लीट करके, और ये फील्ड के जो दो तार आ रहे हैं इसमें, आपके फील्ड के दो तारों को आपको टेस्ट करना है कंटिन्यूटी बराबर है या नहीं है, और बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको टेस्ट करना है, किसी भी मशीन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितने ओम होना चाहिए, 2 मेगा ओम से अधिक हो, 2 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए इसका कनेक्शन सील करके। और मेगर से एक सप्लाई का तार यहाँ लगाओ और थोड़ा सा ये कलर को स्क्रैच करके, और यहाँ से बॉडी और फील्ड पोल के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको चेक करना है, और कम से कम 1 मेगा ओम से कम तो होना ही नहीं चाहिए। 1 मेगा ओम से कम हो गया इसका मतलब हो सकता है इसमें पानी घुस गया और इसका ये कॉटन टेप है वो लूज हो गई और इसमें से कि बॉडी शॉर्ट हो रहा है उसकी संभावना बनती है। इसलिए अगर मान लो रेजिस्टेंस कम हो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो, तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सुखाएंगे, वार्निश मिला देंगे, उसके बाद फिर वापस कनेक्शन करके चलाएंगे। तो अभी फिलहाल एक बार इसको छील करके देखना है, थोड़ा इसको साफ करो एमरी पेपर से, और बॉडी और इसके बीच में आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करो। चलो लाओ मेगर, लाओ सफाई करो, आप दबा के रखो, दोनों को मिलाओ, दबाओ, और ये जीरो सेट करने के लिए ये आपका एडजस्टेबल नॉब दे रखी है, इससे आप जीरो सेट करो, ठीक है। जीरो सेट कर लिया, हटा लो। अब एक थोड़ा सा बॉडी पे थोड़ा स्क्रैच करो, स्क्रैच किया हुआ है, हाँ, तो ये बॉडी पे स्क्रैच किया हुआ है, इसको लगाओ एक बार यहाँ, और फील्ड की कॉइल पे लगाओ। चलो ये 1 मेगा ओम से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, वैसे आवश्यकता तो थी इसको सुखाने की, फिर भी ठीक है, चल जाएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लीड वायर चेक करो, ठीक है, दोनों की कंटिन्यूटी देख लो, इन दोनों को मिलाओ तो कंटिन्यूटी, कोई ऐसा तो नहीं कि फील्ड ब्रेक तो नहीं है हमारा, मतलब कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब फील्ड कंप्लीट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये फील्ड कंप्लीट जुड़ा हुआ है, फील्ड की वाइंडिंग ये हो गई, यहाँ हम अगर डीसी सप्लाई देंगे तो चुंबक क्षेत्र बनेगा, ठीक है, फिर चालक हमारे घूमेंगे तो वोल्टेज पैदा होंगे, सिद्धांत अपना यही है। अब इसमें चुंबक क्षेत्र बनाने के लिए आपको अलग से डीसी सप्लाई देनी है, अब उसकी क्या व्यवस्था रहेगी इस पर डिपेंड करता है। अगर अपन ये सेपरेटली अगर मान लो इसको अलग से डीसी दें तो वो सेपरेटली एक्साइट हो जाएगा, और इससे खुद के वोल्टेज जो पैदा होंगे उसी से आप डीसी बना के इसको देंगे तो वो सेल्फ एक्साइटेड होगा, ठीक है जी। तो ये तो फील्ड के दो तार अलग हो गए, इसको साइड में कर लो अलग, इसके छेद में से निकाल लो बाहर, यहाँ छेद है ना बड़े, गिन लो इसकी वाइंडिंग कैसे होती है। दिमाग में आपके ये प्रश्न आया कि इस आर्मेचर की वाइंडिंग कैसे होगी, अंदर किस टाइप की होगी। ये आर्मेचर पूरा अगर बाहर निकाल दें, बाहर निकाल के देखें तो स्लॉट है ये ऊपर की तरफ खुली हुई है, जैसे मोटर में अंदर की ओर होती थी, इसमें स्लॉट ऊपर की ओर है। स्लॉटों की संख्या, इसके स्लॉटों की संख्या गिन लो, 48 स्लॉट जैसे इसके हैं, और चार पोल की वाइंडिंग करनी है तो पिच क्या रहेगा, 48/4 1/48 1/12 में इसका पिच रहेगा, और जो फार्मूला मोटर वाइंडिंग का है वही का वही, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग का जो फार्मूला है, और वही डेवलपमेंट डायग्राम, वही डिजाइन इस आर्मेचर की है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बाहर से कोयले डाली गई तो उसमें जो स्टेटर के अंदर कोयले डालते थे, इतना ही फर्क है। 6 वायर बाहर निकलते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2, जो U1, U2, V1, V2, W1, W2,
ये जो छः छः वायर निकलेंगे उसका स्टार बना करके और बाकी के तीन वायर और स्टार वाला जो पॉइंट होगा उसको न्यूट्रल के रूप में काम में ले लेंगे और उसको अपन बाहर निकालेंगे स्लिप रिंगों के लिए। अब ये स्लिप रिंगों में क्या होता है, यहाँ पर जो नट बोल्ट है, ये नट बोल्ट लगा हुआ था, एक कनेक्शन तो इसका यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ है। अब ये स्लिप रिंगों में यहाँ पर एक इंसुलेशन लगा हुआ था, ये जो बोल्ट है एक बोल्ट तो इतना लंबा होगा कि ये जो बोल्ट है ना वो ब्रास का, उसका कनेक्शन सीधा ये फर्स्ट वाली रिंग से है, तो फर्स्ट वाला जो रिंग्स का कनेक्शन इस बोल्ट से है, बाकी बीच में इंसुलेशन लगा हुआ है। दूसरा वाला जो बोल्ट होगा वो ये दो स्लिप रिंगों के ऊपर होगा, ये तीन के बाद होगा, इसका कनेक्शन, इसकी चूड़ियाँ यहाँ बनी हुई है, इसका कनेक्शन यहाँ तक है, तीसरे वाले में दो पर होगा, चौथा, इस प्रकार से अलग अलग कनेक्शन हो गए। अब हमारे पास में ये एक दो तीन चार ये स्लिप रिंगें हैं, यहाँ पर कार्बन ब्रश टच होते हैं और यहाँ से आपको आउटपुट मिलती है, और ये आउटपुट तब मिलेगी जब आपका एक्साइटेशन होगा। अब बात आती है इस एक्साइटेशन की, फील्ड को उत्तेजित कैसे किया जाए, अब इसको डीसी सप्लाई कैसे दी जाए, इसके दो तरीके हैं, एक तो होता है सेपरेटली एक्साइट और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइट। सेपरेटली एक्साइट मतलब इसके साथ कुछ ऐसा एक साधन लगा दें जिसे हम एक्साइटर कहते हैं, एक्साइटर मतलब डीसी शंट जनरेटर, छोटा सा जनरेटर एक साइड में और लगा दें, जो इसकी शाफ्ट, जब ये शाफ्ट घूमेगी तो इसके साथ साथ वो आपका जनरेटर भी घूमेगा और वो जो वोल्टेज बनाएगा वो वोल्टेज इसको दो, तो उस एक्साइटर का काम क्या रहेगा, सिर्फ इस फील्ड को उत्तेजित करना, वो थ्री फेज पैदा करने के लिए नहीं है, थ्री फेज पैदा होंगे तो इस आर्मेचर से ही होंगे, है ना। तो एक्साइटर इसके साथ जो अलग से एक छोटा एक्साइटर लगा हुआ है जो यहाँ साइड में पड़ा हुआ है, अपन एक बार देखेंगे एक्साइटर वो कैसा है, पहले एक बार इसकी कंटिन्यूटी भी देख लो कि ये हमारा सही है कि नहीं, फील्ड तो बिल्कुल सही था। अब आर्मेचर में देख लो आर वाई बी और एन, तीनों में कंटिन्यूटी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मैगर से चेक कर लो और उसका भी बॉडी शॉर्ट देख लेना कि बॉडी शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो अब आप चेक करेंगे, सबसे पहले तो किसी भी मीटर को टेस्ट करने से पहले एक बार आप ऐसे टेस्ट कर लेना, कंटिन्यूटी आ रही है, कोई ब्रेक तो नहीं है, ये फेज है, ये भी कंटिन्यूटी आ रही है, ब्रेक नहीं है, ये भी कंटिन्यूटी आ रही है, ब्रेक नहीं है, मतलब कोई सर्किट टूटा हुआ नहीं है। अब इसके बाद इसकी बॉडी शॉर्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी शॉर्ट हो, बॉडी से भी इसका इंसुलेशन अच्छा है, हमारी जो वाइंडिंग करके रखी गई है इसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं है, और ये हमारा आर्मेचर बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमारा आर्मेचर बिल्कुल सही है। तो ये आर्मेचर बिल्कुल सही है, ऐसे हमने टेस्ट कर लिया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना था, बॉडी और आर फेस की वाइंडिंग के बीच कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, ये 5 मेगाओम के आसपास, कि 50 मेगाओम है, 50 है ना, ये 50 मेगाओम के आसपास आ रहा है हर फेज और अर्थ के बीच में, 50 मेगाओम, फील्ड में 1 मेगाओम था, आर्मेचर में बॉडी और एक फेज के बीच में 50 मेगाओम, ये आपकी रीडिंग हो गई। अब सेम यही सिचुएशन आपको ये मालूम पड़ गया कि अल्टरनेटर के लिए क्या क्या आपको सामग्री क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए साधन, डीसी सप्लाई चाहिएगी, वोल्टेज पैदा करने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए, जो इसमें देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, फील्ड एक्साइट हो जाएगा तो चालक हमारे घूमेंगे तो वोल्टेज बन जाएंगे। अब इसको चुंबकीय क्षेत्र देने के लिए आपके पास में एक्साइटर है जो अलग से एक छोटा सा डीसी शंट जनरेटर है, अब उसको देखें कि जब तक वो चलेगा।